प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर किए तीखे प्रहार। करसोग में युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर ब्लॉक युवा कांग्रेस ने रैली भी निकाली और SDM कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले देश भर के युवाओं से हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। अब केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता में आए 7 साल से अधिक का समय हो गया है। ऐसे में अब तक देश भर में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात है इस अवधि में रोजगार देना तो दूर करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई। यही नहीं, सिर्फ 1 साल में ही 15 करोड़ से ज्यादा रोजगार खत्म हो गए हैं। युवा कांग्रेस का कहना है कि देश का युवा रोजगार को लेकर परेशान है। युवा कांग्रेस ने हाल ही में करसोग में आयोजित हुए जनमंच को लेकर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के दौरे को लेकर सवाल उठाए। युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जनमंच में अपनी शिकायत रखने वालों से महेंद्र सिंह से तू तड़ाक से बात की। यही नहीं, प्रदेश में बागवान का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे में जल शक्ति मंत्री को लोगों से माफी मांगनी चाहिए। करसोग युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर धरना प्रदर्शन भी किया गया और SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर किया गया है। युवा साथी, इस हर साल जो हम प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है 17 तारीख को, इसे जो हम बेरोजगारी दिन के रूप में मनाएंगे, आप सभी यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। लेकिन एक बार मैं बोलना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों पहले जैसे भैरगीला नाम नेगी जी ने कहा, हमारे बड़ बोले मंत्री जी है महेंद्र सिंह ठाकुर जी, वो जो है अनाप शराब बोलते हैं, तू तो राग से बात करते हैं, उनको समझ नहीं है कि बागवान कौन है, बागवान के सेब कैसे बिक रहे हैं, उनके भी मजाक उड़ाते हैं। जो अध्यापक इस समाज को बनाता है उनका भी मजाक बनाते हैं। लेकिन दुख की बात है, अगर शोक के अंदर आते हैं, यहाँ पर लोगों की समस्या जनमंच में आते हैं, लोगों की समस्या सुनने के बावजूद यहाँ पर जो है जो भी शिकायत करता है उनके साथ जो तूतरा के करने की जो बातें करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। हम जो है युवा कांग्रेस करसोग इसकी घोर निंदा करते हैं और स्थानीय विधायक जी से निवेदन करते हैं कि आप जो शोक के अंदर से मंत्री का दौरा ना रखें, क्योंकि शोक के अंदर अगर हम जागरूक यहाँ पर हो गए, यहाँ से भी दौड़ाने का काम जो शोक जनता बहुत जल्दी करेंगे। और ज्यादा ना बात कहते हुए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो है इस माध्यम से जो है राज्यपाल मोदी जी को ज्ञापन सौंपेंगे कि आज देश के अंदर जो हालात हुए हैं बेरोजगारी के, देश का जो नौजवान जो है आज आत्महत्या कर रहा है, और एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता राज सोनी की रिपोर्ट।